चलो हमारे दो फाइनेंशियल लिवरेज हैं, एक फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज और एक अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। व्हाई ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, व्हाट इज फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, व्हाट इज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज, उसको समझते हैं क्या है। बेटा एक चीज होती है हमारी आरओआई और एक होता है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ROI is what? Return on investment. Return on investment मतलब जो पैसा हमने कहीं पे इन्वेस्ट करा किसी भी प्रोजेक्ट में उसमें हम कितना अर्न कर रहे हैं, that is return on investment. Rate of interest is what? जो पैसा हमने बोरो किया उस पर हमें कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, that is rate of interest. तो दोनों टर्म्स में फर्क पता लगा आपको क्या है? ये हम बेसिकली अर्न कर रहे हैं जो कमा रहे हैं और ये हम क्या कर रहे हैं पे कर रहे हैं। तो फेवरेबल यानी कि हमारे हक में कौन सी बात होगी, देखो आरओआई और रिटर्न, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन दोनों में क्या बड़ा हो जो हमारे फेवरेबल में होगा आरओआई। अगर ये सिंबल लगा दे आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये हमारा फेवरेबल बन जाएगा। क्यों? ये हमारे हक की बात कर रहा है कि हमारे हम जो कमा रहे हैं वो ज्यादा है और जो हमें पे करना पड़ रहा है वो कम है। तो ये कौन सा लिवरेज हो गया? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज को क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। वन मार्क के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो अगर वन मार्क में आता है व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन आरओआई, आप पूरा लिखना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स और लोन्स, it is known as favorable financial leverage, also termed as trading on equity. समझ आ गया आंसर? अब इसका हम numerical example करते हैं, numerical example समझेंगे भी और खुद frame करना भी आना चाहिए, दोनों option में से एक option paper में आ सकता है। अभी हम खुद frame कर रहे हैं, क्या होगा हमारे पास अगर आता है what is favorable financial leverage, explain with the help of numerical example. तो अगर ऐसी condition आती है तो बेटा देखो, सपोज हमने इन्वेस्ट करने हैं 10 लाख रुपीज, क्या इन्वेस्ट करना है हमने 10 लाख इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट करने के लिए हम तीन ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू एंड ऑप्शन थ्री। हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज व्हाट? कि हम जो पैसा लगाना चाहते हैं वो हम कहां से लगाएंगे, पहला ऑप्शन। अच्छा देखो, हम ओनर फंड लगाते हैं यानी कि इक्विटी, और बोरोड फंड यानी कि डेट्स लगाते हैं, डेट्स एट द रेट 10%। ये दो चीजें हमने लगा दी। पहला ऑप्शन लेते हैं कि हमने 10 के 10 लाख इक्विटी से लगा दिया। सेकेंड ऑप्शन इज कि हम क्या करते हैं 5 लाख इक्विटी and 5 lakh from debts. कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है? थर्ड ऑप्शन इज यार खुद सोचो, ये मैं चाहता था कि कोई बच्चा बोले, क्या कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है कि सारा का सारा लोन लगा के पैसा लेके पैसा लगाया जाए? सारा का सारा लोन से तो काम नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ इक्विटी रखते हैं, सपोज 3 लाख एंड 7 लाख, कॉम्बिनेशन समझ आया? सारा इक्विटी इक्वल प्रोपोर्शन, इक्विटी कम डेट ज्यादा। ठीक, अब हम लेते हैं इसमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। पहले तो ये समझ आना चाहिए व्हाट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा हमें सबको पता है जो हमारी सेल्स है, सेल्स किस चीज को बोलते हैं, हमने टोटल कितनी सेलरी, सपोज द टोटल सेल, टोटल सेल इज 20 लाख। इसमें दो तरह की कॉस्ट माइनस होती है, एक तो होती है हमारी फिक्स कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। सपोज द फिक्स कॉस्ट इज 5 लाख एंड द वेरिएबल कॉस्ट इज 12 लाख, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 3 लाख। 3 लाख इज व्हाट? प्रॉफिट।
क्या इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट यानी कि लोन जो लिया उस पर इंटरेस्ट माइनस किया मैंने, क्या इसमें से टैक्स माइनस किया, तो इस प्रॉफिट को क्या बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसीलिए इसका नाम रखा पीबीआईटी या फिर ईबीआईटी। आया समझ? ये व्हाट इज ईबीआईटी समझ आ गया? अब मैंने ईबीआईटी सपोज किया 3 लाख आरबीएस में, ठीक है बेटा, ये जो इक्विटी लगा रहे हैं इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹10 पर शेयर, एक शेयर ₹10 का, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल फ्रेम करता है। अब ईबीआईटी में से सबसे पहले माइनस होता है हमारा इंटरेस्ट, पहले हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे तो लोन है नहीं इस केस में, सारा डेट है, सारी इक्विटी है, सॉरी डेट जीरो है ना। इस केस में इंटरेस्ट आ जाएगा 50,000 का, इस केस में इंटरेस्ट आ जाएगा 70,000 का, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा ई बी टी अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट माइनस हो गया ना, तो इंटरेस्ट आ गया बीच में से, कितना आया इसका 3 लाख 250 2,30,000 यहां से देख के आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है? ऑप्शन वन अभी इसमें से मैं माइनस करता हूं टैक्स एट द रेट 30%, टैक्स का रेट माना है 30%, इसका 30% 90,000, इसका 75,000, इसका 30% 69,000, माइनस किया 2,10,000, 1,75,000 और इसमें से ये माइनस किया 21,000 ठीक है, ये हमारा क्या आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। फ्रॉम इंस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखते ही हमें क्या लगता है, क्या अच्छा है, ऑप्शन वन इज बेटर ये लगता है, बट इसमें हमें एक चीज और निकालनी है, वहां से हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वो क्या है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस। अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर होल्डर को कितनी कमाई हुई है एक शेयर पे, अर्निंग पर शेयर एक शेयर पे कितना कमाया, तो पहले तो हम यहां पे क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। अब दिमाग में आता है सर वाई ईपीएस, ईपीएस ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? बेटा कोई भी बिजनेस करता है तो बिजनेस का मोटिव क्या होता है, कि ओनर ज्यादा से ज्यादा कमाए, प्रॉफिट ओनर को ज्यादा से ज्यादा, इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा, ओनर ज्यादा कंपनी, तो इक्विटी शेयर होल्डर ने कितना कमाया, टोटल कमाई है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, यहां पे 1 लाख, यहां पे 50,000, यहां पे 30,000, ठीक है। अब देखो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल 2,10,000 हमारे कितने शेयर पे, 1 लाख शेयर पे, तो फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यानी कि 2,10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख 2.10, दिस डिवाइडेड बाय दिस ये आएगा लगभग 3.5, ठीक है, इसे कैलकुलेट करते हैं ये आएगा 5.53, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन बेटर हो गया, ऑप्शन 3 इज बेटर, वाई सो, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो गया सर? देखो हम इनिशियल हमें स्टार्टिंग स्टेज में ही पता चल जाना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है, कैसे, क्योंकि ये कंडीशन है
फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज. हाउ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज? फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का मीनिंग क्या बताया था? व्हेन आरओआई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. आरओआई कितना कमा रहे हो आप? 10 लाख लगा रहे हैं कोई भी केस हो, टोटल कोई भी केस हो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने, कितना कमा रहे हैं? 3 लाख का मतलब कितने परसेंट आ गया? परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आ गया बेटा? 3 लाख अपॉन 10 लाख इनटू 100. ये जब मैंने कैलकुलेट किया ये आया 30%. मैं कितना कमा रहा हूं? 30%. और मुझे पे कितना करना है? डेट्स पे सिर्फ और सिर्फ 10. कमा रहा हूं 30%, देना कितना है? सिर्फ 10%. यानी कि जितना ज्यादा बोरो करूंगा उतना ज्यादा फायदा. मेरा अपना पैसा तो लगेगा, तो क्या होगा? जितना कमाया सारा इक्विटी में बांटना पड़ेगा. जितना अपना कम होता चला जाएगा बोरो. देखो मैंने अपने लगाया सिर्फ 3 लाख, उस पे तो जो कमाया वो तो मेरा ही. ये जो 7 लाख है ये मेरे नहीं है. इस पे कमाया कितना होगा? 30%. इन्हें दिया कितना होगा? सिर्फ 10%. इनका भी 20% मुझे बच गया और अपने वाला 30 भी मुझे बच गया. तो मेरी अर्निंग हमेशा ज्यादा ही होने वाली है. जितने ज्यादा डेट्स उतनी ज्यादा अर्निंग. अगर हमारा लेवरेज कौन सा लेवरेज है? फेवरेबल फाइनेंशियल. वो कहां से पता चल जाता है? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमें पता चल जाएगा ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल. समझ आ गई एग्जांपल? जिसमें नोट करना है 2 मिनट बाद नोट कर लेना, मैं रब नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ अनफेवरेबल के लिए. बेटा अनफेवरेबल में क्या होगा? व्हेन आरओआई इज लेस देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये अनफेवरेबल हो जाएगा. मतलब हमारी कमाई कम है और हमें इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ रहा है. अगर मुझे इसका एग्जाम्पल फ्रेम करना हो, ध्यान से समझना. इन्वेस्टमेंट अभी भी 10 लाख एज्यूम कर रहा हूँ. तीनों ऑप्शन अभी भी सेम एज्यूम कर रहा हूँ. ईबीआईटी को क्या करते हैं? ईबीआईटी को एज्यूम कर लेते हैं हम 3 लाख की बजाय 50,000. 50,000. अब 50,000 रखते ही मेरा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट यानी कि आरओआई कितना हो गया? 50,000 अपॉन 10 लाख इन 200 5% आएगा. मुझे पे कितना करना है? 10%. तो ये आगे कंडीशन. मेरी अर्निंग 5% पे कर रहा हूँ 10%. तो अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज आ गया. और जब आप उसका आंसर निकालोगे यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा और फिर कम होता चला जाएगा. समझ आया? सॉल्यूशन समझ आया दोनों केस में? अब इसका न्यूमेरिकल आता है. अगर न्यूमेरिकल गलत करके आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. 4 से 6 नंबर फ्रेम करना है तो ये एग्जाम्पल अवेलेबल है आपके पास, खुद फ्रेम करो. अगर उन्होंने डेटा दे दिया तो याद रखना सबसे पहले ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, ईबीटी लेस टैक्स, ईएटी टैक्स माइनस करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स निकालो कितने इन्वेस्ट करे डिवाइड बाय कितने का शेयर. 10 रुपए का शेयर ना, दिस डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दिस डिवाइड बाय दिस विल बी ईपीएस. और जहां पे ईपीएस ज्यादा होगा वो हमारा मोस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा. वहां पे ये भी पूछते हैं इन विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट, तो जहां पे ईपीएस अब नोट करना है तो नोट करो.